Welcome back to English classes by Nitya Kapoor. So, in today's video, we are going to do a lot of questions on subject verb agreement. We did subject verb agreement in the last two videos. I made two videos for subject verb agreement. One was one part and the other was the second part. So in two videos, we completely finished subject verb agreement with a plethora of examples. Whoever must have seen that video knows how helpful it must have been. So for whosoever who has not seen those videos, it's okay. You can learn a lot by these exercises. We'll be discussing the rules and everything as we go through. और अगर स्टिल आपको वो वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली जाके वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो. मैं ऊपर आई बटन में भी लिंक कर दूंगी और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डेफिनेटली डेफिनेटली लिंक कर दूंगी. सो विदाउट फर्दर एनी अडू लेट्स गेट टू आवर टुडेज क्लास विच इज एक्सरसाइजेज ऑन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. जस्ट अ सेकेंड. So here is the worksheet. Just give me a second. So let's get to the questions only since we have done everything. Okay. So in this question, we have been given choice of verbs. ठीक है, we have been given choice of verbs and we have to choose the one which is the correct one. So always remember what was our rule. Our rule is that singular verb, singular subject, plural verb, plural subject. So वही रूल हम हर जगह लगाएंगे और थोड़े से जो और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रूल्स आ जाएंगे वो मैं करते 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 जब हम क्वेश्चंस करेंगे जब वो हमको देखेंगे मैं वो फिर से रिवाइज करवाती रहूंगी. सो लेट्स गेट टू द फर्स्ट क्वेश्चन. The group was or were going on a trip. Now see, it's a group. ठीक है, ग्रुप है तो इस ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि प्लूरल हो गया, एक ही ग्रुप की बात हो रही है. तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर. सिंगुलर सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब. सो सिंगुलर वर्ब वॉज और वर में से सिंगुलर क्या है? वॉज. नेक्स्ट, द फ्लॉक ऑफ गीज. फ्लॉक ऑफ गीज क्या होते हैं? एक बर्ड टाइप के एनिमल्स होते हैं, उनका फ्लॉक मतलब उनका ग्रुप. मेक और मेक्स अ ब्यूटिफुल पैटर्न इन द स्काई. तो अब वो बर्ड्स हैं वो स्काई में होंगे. सो द फ्लॉक ऑफ गीज मेक और मेक्स अ ब्यूटिफुल पैटर्न इन द स्काई. सो दैट फ्लॉक ऑफ गीज, एक फ्लॉक ऑफ गीज की बात हो रही है, एक ग्रुप की बात हो रही है. सो अगेन यहाँ पर क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. तो मेक और मेक्स में से मेक्स. नेक्स्ट, द टीम इज और आर सेलिब्रेटिंग इट्स विक्ट्री. सो अब टीम क्या है? एक टीम की बात हो रही है, एक टीम अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही है. सो द टीम इज सेलिब्रेटिंग इट्स विक्ट्री. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और इज और आर में से सिंगुलर क्या है? इज. इन जुलाई द कमिटी मेक और मेक्स अ डिसीजन अबाउट द लोकेशन ऑफ द ऑगस्ट पिकनिक. अब इतना लंबा सेंटेंस है, घबराना नहीं है. इन जुलाई द कमिटी मतलब एक कमिटी. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. मेक और मेक्स में से सिंगुलर क्या है? मेक्स. फिर इन द जंगल द हर्ड ऑफन स्टैम्पीड या फिर स्टैम्पीड. अब देखो द हर्ड, एक हर्ड की बात हो रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब तो स्टैम्पीड. नेक्स्ट वीक द स्मिथ फैमिली लीव या फिर लीव्स फॉर अ वेकेशन. अब स्मिथ फैमिली की बात हो रही है, एक फैमिली की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब तो लीव और लीव्स में से सिंगुलर कौन सा है? लीव्स. नेक्स्ट, एवरी समर द क्लास टेक और टेक्स मेनी फील्ड ट्रिप्स. अब देखो सब्जेक्ट क्या है? क्लास है. सब्जेक्ट क्या है? द क्लास है. मेनी फील्ड ट्रिप्स प्लूरल, इससे कंफ्यूज नहीं होना, हमें मतलब है सब्जेक्ट से. उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से. सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है हमारी एक क्लास, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, टेक और टेक्स में से टेक्स होता है सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट, द पैनल चूज और चूजेस द टॉपिक्स फॉर टेलीविजन. अब पैनल क्या है? एक ही पैनल की बात हो रही है, एक ही पैनल चूज करता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब तो चूजेस. इज और आर द ग्रुप इन चार्ज ऑफ रिफ्रेशमेंट्स हियर येट.
अब जो इंचार्ज होता है वो एक ही होता है, वो एक ही होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो इज द ग्रुप इन चार्ज ऑफ रिफ्रेशमेंट्स हियर येट? नेक्स्ट, द कंपनी वोट और वोट्स फॉर अ न्यू प्रेसिडेंट नेक्स्ट मंथ. एक कंपनी की बात हो रही है, एक कंपनी में वोटिंग होने वाली है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सो वोट्स, द कंपनी वोट्स फॉर अ न्यू प्रेसिडेंट नेक्स्ट मंथ. अब ये वाली एक्सरसाइज, हेयर ऑन योर डेस्क इज और आर द रिपोर्ट्स फॉर योर कंडीशन कंसिडरेशन. हेयर ऑन योर डेस्क इज और आर द रिपोर्ट्स फॉर योर कंसिडरेशन. तो रिपोर्ट्स क्या है, रिपोर्ट्स की बात हो रही है, रिपोर्ट्स हमारा सब्जेक्ट है, रिपोर्ट्स है, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, तो हेयर ऑन योर डेस्क आर द रिपोर्ट्स फॉर योर कंसिडरेशन. फिर वेयर हैज और हैव द डांस बीन हेल्ड फॉर अदर ईयर्स, तो जहां पर भी क्वेश्चन आता है ना वहां लगाते हैं हैव, जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए वहां लगेगा प्लूरल वर्ब. ठीक है, तो वेयर हैव द डांस बीन हेल्ड ओवर अदर ईयर्स. नेक्स्ट, देयर इज और आर फोर ऑफ अस गोइंग टू द फेयर. देयर आर फोर ऑफ अस गोइंग टू द फेयर. अब आर क्यों, फोर ऑफ अस, फोर ऑफ अस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो आर. देयर हैज और हैव बीन र्यूमर्स ऑफ अ स्ट्राइक. र्यूमर्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. हैज और हैव में से प्लूरल क्या है, हैव, तो देयर हैव बीन र्यूमर्स फॉर अ स्ट्राइक. फिर हेयर इन दिस रूम इज और आर द बेस्ट पेंटिंग्स. तो सब्जेक्ट क्या है, पेंटिंग्स, पेंटिंग्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, तो आंसर क्या होगा, आर. तो हेयर इन दिस रूम आर द बेस्ट पेंटिंग्स. देयर कम और कम्स द टीम. देयर कम और कम्स द टीम. अब देखो फिर से, टीम क्या है, एक टीम की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सो देयर कम्स द टीम. नेक्स्ट, हेयर इज और आर वन ऑफ द 5 मेंबर्स ऑफ द क्लब. अब क्लब के 5 मेंबर्स में से एक मेंबर की बात हो रही है, तो एक मेंबर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर वर्ब, तो हेयर इज वन ऑफ द 5 मेंबर्स ऑफ द क्लब. नेक्स्ट, हेयर इन क्लास इज और आर द टाइम टू लर्न. हेयर इन क्लास इज और आर द टाइम टू लर्न. टाइम टू लर्न, द टाइम, एक ही टाइम की बात हो रही है, इसी टाइम की बात हो रही है, तो क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर वर्ब, तो हेयर इन क्लास इज द टाइम टू लर्न. देयर इन द हैमक लाई और लाइज कार्ल एंड हिज डॉग. तो अब का देयर इन द हैमक लाइज कार्ल एंड हिज डॉग, ये हमने बात की थी, जब पोजेसिव आ जाता है एंड के बाद, जब कोई पोजेसिव नाउन आता है एंड के बाद तो वो सिंगुलर ही रहता है, सो देयर इन द हैमक लाइज कार्ल एंड हिज डॉग. इसमें प्लूरल सब्जेक्ट नहीं करना, क्यों, क्योंकि हिज क्या है, एक पोजेसिव नाउन है. फिर देयर इज और आर द सेनेटर एंड द कांग्रेसमैन ऑफ द स्टेप्स ऑफ द कैपिटल. अब देखो, द सेनेटर एंड द कांग्रेसमैन, दोनों के साथ द है, तो जब दोनों के साथ द है मतलब ये सेनेटर और कांग्रेसमैन दो अलग लोग हैं, मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल हो गया, तो वर्ब प्लूरल इज और आर में से आर हुआ, तो देयर आर द सेनेटर एंड द कांग्रेसमैन ऑन द स्टेप्स ऑफ द कैपिटल. नेक्स्ट, टू कप्स ऑफ फ्लावर सीम्स और सीम टू मच फॉर दैट रेसिपी. टू कप्स ऑफ फ्लावर क्या हो गया, प्लूरल, सो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो टू कप्स ऑफ फ्लावर सीम्स टू मच फॉर दैट रेसिपी. नेक्स्ट, 3 days was और were ऑल द टाइम नीडेड फॉर द टूर. तो 3 days क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट नीड्स प्लूरल वर्ब, तो वॉज और वर में से प्लूरल क्या है, वर, सो
3 days were all the time needed for the tour. 2 hours of homework in one subject is or are unfair. एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो 2 hours of homework in one subject is unfair. 3 weeks of rehearsal time usually proves or prove to be sufficient. So, 3 weeks of rehearsal time, उसी टाइम की बात हो रही है, एक ही टाइम है, 3 weeks का ही टाइम है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्रूव्स. नेक्स्ट, 50 cents इज और आर मोर देन इनफ फॉर योर अलाउंस. तो अब एक ही अलाउंस की बात हो रही है, एक ही इंसान की अलाउंस की बात हो रही है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर. 50 cents की ही बात हो रही है, 50 cents की बात हो रही है, 60, 100, 0 इनकी बात नहीं हो रही, सिर्फ 50 की बात की जा रही है. तो 50 cents इज मोर देन इनफ फॉर योर अलाउंस. नेक्स्ट, फिर द सेवन सिस्टर्स इज और आर अ ट्रू स्टोरी अबाउट अ न्यू इंग्लैंड फैमिली. अब देखो, सेवन सिस्टर्स, ठीक है, एक स्टोरी का नाम है. सिस्टर्स में एस है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो सेवन सिस्टर्स है ये एक प्रॉपर नाउन है, एक ही प्रॉपर नाउन है, एक ही स्टोरी का नाम है. क्योंकि अब एक ही स्टोरी का नाम है तो ये क्या बन जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब इज और आर में से क्या है? इज. सो द सेवन सिस्टर्स इज अ स्टोरी अबाउट अ न्यू इंग्लैंड फैमिली. नेक्स्ट, मॉर्गन एंड कंपनी एडवर्टाइजेस और एडवर्टाइज बीच बैग्स फॉर अ डॉलर. अब मॉर्गन एंड कंपनी, ये सब्जेक्ट प्लूरल नहीं हुआ, मॉर्गन एंड कंपनी नाम है, एक प्रॉपर नाउन है, तो एक प्रॉपर नाउन है, एक ही प्रॉपर नाउन है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब. एडवर्टाइजेस और एडवर्टाइज में सिंगुलर वर्ब क्या है? एडवर्टाइजेस. सो मॉर्गन एंड कंपनी एडवर्टाइजेस बीच बैग्स फॉर अ डॉलर. नेक्स्ट, द वेटरन्स ऑफ फॉरेन वॉर्स इज और आर होल्डिंग इट्स कन्वेंशन इन शिकागो दिस ईयर. अ वेटरन्स ऑफ फॉरेन वॉर्स एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो जब हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर. सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स सिंगुलर वर्ब. तो इज और आर में से सिंगुलर क्या है? इज. तो द वेटरन्स ऑफ फॉरेन वॉर्स इज होल्डिंग इट्स कन्वेंशन इन शिकागो दिस ईयर. नेक्स्ट, द विमेन वॉज और वर रिटन बाय क्लेयर बूथ लूस. नाउ द विमेन इज अ बुक. द विमेन, चाहे विमेन प्लूरल लिखा हुआ है, बट ये एक ही बुक की बात कर रहे हैं जिसका नाम द विमेन है. एक बुक, सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स सिंगुलर वर्ब. तो वॉज और वर में से सिंगुलर क्या है? वॉज. सो द विमेन वॉज रिटन बाय क्लेयर बूथ लूस. नेक्स्ट, वेल्स हैज और हैव अ ब्यूटिफुल कंट्री साइड. अब वेल्स क्या है? एक जगह का नाम है, चाहे उसके साथ एस आ रहे, बट वो एक ही जगह है. एक ही जगह है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स सिंगुलर वर्ब. तो हैज और हैव में से सिंगुलर क्या है? हैज. तो वेल्स हैज अ ब्यूटिफुल कंट्री साइड. नेक्स्ट, द गर्ल डोंट और डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. अब एक ही गर्ल की बात हो रही है, एक गर्ल की बात हो रही है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब. और डू और डज में से सिंगुलर क्या है? डज. तो डोंट और डजेंट में से सिंगुलर क्या है? डजेंट. सो द गर्ल डजेंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्या है? डोंट और डजेंट शी वॉन्ट द प्राइस. तो अब जब क्वेश्चन पूछते हैं, जब क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो हमेशा प्लूरल लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? शी.
शी है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स सिंगुलर वर्ब, सो ये क्या बन जाएगा, डजंट शी वॉन्ट द प्राइज. नेक्स्ट, द लेटस डोंट और डजंट लुक फ्रेश. लेटस, एक ही लेटस की बात कर रहे हैं, लेटस की बात कर रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर. डोंट और डजंट में से सिंगुलर क्या है, डजंट. फिर द स्कूल डोंट और डजंट हैव अ स्टेज. अब एक ही स्कूल की बात कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब क्या है डोंट या डजंट में से, डजंट. सो दैट स्कूल डजंट हैव अ स्टेज. नेक्स्ट, इट डोंट और इट डजंट मैटर एट ऑल. अब सब्जेक्ट क्या है, इट. इट क्या है, एक. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स सिंगुलर वर्ब, सो डोंट और डजंट में से सिंगुलर क्या है, डजंट. सो इट डजंट मैटर एट ऑल. नेक्स्ट, ही डोंट और डजंट सी द रेनबो. ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब चाहिए, डोंट और डजंट में से सिंगुलर क्या है, डजंट. तो ही डजंट सी द रेनबो. द बॉक्सर एंड द पूडल डोंट और डजंट गेट अलोंग. अब द बॉक्सर एंड द पूडल दो लोगों की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, प्लूरल. प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स प्लूरल वर्ब, डोंट और डजंट में से प्लूरल क्या है, डोंट. द कर्टेन्स इन द रूम डोंट और डजंट मैच द कलर ऑफ द वॉल. अब कर्टेन्स की बात हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो डोंट. द कर्टेन्स इन द रूम डोंट मैच द कलर ऑफ द वॉल्स. मेरी डोंट और डजंट नीड टू गो विद मी. मेरी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, डोंट और डजंट में से डजंट करेक्ट है. दिस बार ऑफ कैंडी डोंट और डजंट टेस्ट गुड. दिस बार ऑफ कैंडी, एक कैंडी की बात हो रही है, एक बार की बात हो रही है. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, डोंट और डजंट में से सिंगुलर वर्ब क्या है, डजंट. नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज और आर टॉट बाय प्रोफेसर ग्रे. अब देखो, इकोनॉमिक्स एंड तो एस से होता है, बट सब्जेक्ट तो एक का ही है, इकोनॉमिक्स एक ही सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट मींस सिंगुलर वर्ब. इज और आर में से सिंगुलर क्या है, इज. सो द इकोनॉमिक्स इज टॉट बाय प्रोफेसर ग्रे. नेक्स्ट, द न्यूज ऑन द रेडियो वॉज और वर एनकरेजिंग. अब न्यूज है, न्यूज, न्यू कुछ नहीं होता, न्यूज ही होता है, चाहे उसके एंड में एस आ रहा है, बट न्यूज एक ही है. सो द न्यूज ऑन द रेडियो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वॉज और वर्ब में से सिंगुलर क्या है, वॉज. सो द न्यूज ऑन द रेडियो वॉज एनकरेजिंग. नेक्स्ट, एथिक्स इज और आर अ गुड, इज और आर अ कोड ऑफ वैल्यूज. अब एथिक्स क्या है, एथिक्स एक वर्ड है, एथिक कुछ नहीं होता, एथिक्स ही होता है, तो एथिक्स इज अ कोड ऑफ वैल्यूज. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इसलिए इज. नाउ पॉलिटिक्स अपील और अपील्स टू सम पीपल. अब पॉलिटिक्स के एंड में एस है, बट पॉलिटिक्स एक ही है, पॉलिटिक्स एक ही चीज है, तो पॉलिटिक्स अपील्स टू सम पीपल, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, अपील्स. सिविक्स वॉज और वर माई डैड्स बेस्ट सब्जेक्ट. अब सिविक्स के एंड में एस है, बट सिविक्स है तो एक ही सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वॉज और वर्ब में से सिंगुलर क्या है, वॉज. सो सिविक्स वॉज माई डैड्स बेस्ट सब्जेक्ट. नेक्स्ट, मीजल्स इज और आर वेरी कंटेजियस. मीजल्स क्या है, एक डिजीज है, एक ही डिजीज है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इज और आर में से सिंगुलर क्या है, इज. तो मीजल्स इज वेरी कंटेजियस. नेक्स्ट, सोशल स्टडीज 101 हैज और हैव ऑलवेज बीन एन इंटरेस्टिंग कोर्स. अब सोशल स्टडीज है, 101, 101 भी है, बट ये एक ही कोर्स का नाम है, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो हैज और आर में से हैज. एरोबिक्स इज और आर अ फन एक्टिविटी फॉर मोस्ट यंगस्टर्स. अब एरोबिक्स के एंड में चाहे एस है, बट ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट नीड सिंगुलर वर्ब्स, इज और आर में से सिंगुलर वर्ब क्या है, इज. तो एरोबिक्स इज अ फन एक्टिविटी फॉर मोस्ट यंगस्टर्स. नेक्स्ट, जिमनास्टिक्स ऑफन रिक्वायर
और रिक्वायर्स द यूज ऑफ स्पेशल अपैरेटस। तो जिम्नास्टिक्स ऑफ, अब जिम्नास्टिक्स क्या है तो एंड हो रहा है एस में, बट जो वो एस में एंड हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल हो जाए, जिम्नास्टिक्स एक ही चीज है। अब जब वो एक ही चीज है तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन सिंगुलर वर्ब। रिक्वायर और रिक्वायर्स में से सिंगुलर क्या है? रिक्वायर्स। उसके बाद एरोबैटिक्स इन्वॉल्व और इन्वॉल्व्स स्किल्स इन एजिलिटी एंड बैलेंस। अब एरोबैटिक्स है तो एक ही स्पोर्ट ना, तो जब एक ही स्पोर्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स सिंगुलर वर्ब, तो इन्वॉल्व और इन्वॉल्व्स में से क्या आएगा? इन्वॉल्व। फिर नेक्स्ट क्या है? स्लाइसिंग टोमेटोज इज और आर मेसी। अब एक ही की बात कर रहे हैं, एक ही चीज हो रही है, स्लाइसिंग टोमेटोज एक ही बात है, तो स्लाइसिंग टोमेटोज इज मेसी। एवरी सेमेस्टर स्टडिंग फॉर फाइनल एग्जाम्स कॉज और कॉजेस स्ट्रेस। एवरी सेमेस्टर स्टडिंग फॉर फाइनल एग्जाम्स एक ही बात है, स्टडिंग फॉर फाइनल एग्जाम्स एक ही सब्जेक्ट है, तो कॉजेस स्ट्रेस सिंगुलर वर्ब। राइडिंग द रैपिड्स इन कोलोराडो प्रोवाइड और प्रोवाइड एडवेंचर। अब सब्जेक्ट क्या है? एक ही, राइडिंग द रैपिड्स इन कोलोराडो, तो प्रोवाइड एडवेंचर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। मोइंग लॉन्स फर्निश और फर्निशेस एडिशनल इनकम फॉर यंगस्टर्स। अब मोइंग लॉन्स एक ही सब्जेक्ट है, एक ही काम के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब फर्निशेस। शॉपिंग फॉर स्कूल क्लोथ्स ऑफन टेस्ट और टेस्ट अ मदर्स पेशेंस। अब काम क्या हो रहा है? एक ही काम हो रहा है, शॉपिंग फॉर स्कूल क्लोथ्स, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इसलिए टेस्ट। रनिंग अ फ्यू माइल्स ईच डे इज और आर अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अब बात किसकी हो रही है? रनिंग अ फ्यू माइल्स ईच डे, एक ही चीज की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज। वॉशिंग विंडोज हैज और हैव ऑलवेज बीन एन अनप्लेजेंट टास्क। वॉशिंग विंडोज एक ही टास्क की बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। रेकिंग लीव्स ऑफन टर्न और टर्न्स इनटू ए फन एक्टिविटी। तो रेकिंग लीव्स एक ही एक्टिविटी की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स सिंगुलर वर्ब। फिर सिंगुलर वर्ब क्या है? टर्न और टर्न्स में से टर्न्स। वॉचिंग आवर्स ऑफ टेलीविजन हर्ट और हर्ट्स अ पर्सन आई। अब एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, वॉचिंग आवर्स ऑफ टेलीविजन, तो आंसर क्या होगा? सिंगुलर वर्ब हर्ट्स। बींग ओपन माइंडेड एनकरेज और एनकरेजेस लर्निंग। किसकी बात हो रही है? बींग ओपन माइंडेड, एक ही चीज की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स सिंगुलर वर्ब, तो एनकरेजेस। अब ये द सिटीजन ऑफ दिस टाउन डिमांड और डिमांड्स पुलिस प्रोटेक्शन। अब किसकी बात हो रही है? सिटीजन ऑफ दिस टाउन, तो डिमांड पुलिस प्रोटेक्शन। क्यों? प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ग्लेनविल्स ग्ली क्लब ऑलवेज गिव और गिव्स अ फाइन कॉन्सर्ट। अब ग्लेनविल्स ग्ली क्लब एक ही क्लब की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब गिव्स। आइदर केथी और डोरथी इज और आर गोइंग, तो दोनों में से एक ही जा रहा है, तो एक की ही बात होगी, या तो केथी या तो डोरथी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया इसलिए सिंगुलर वर्ब इज। बोथ रूथ एंड आई गो और गोज टू बेड अर्ली। अब दोनों की बात हो रही है, बोथ की बात हो रही है, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब गो। द मैन अलोंग विद द टू वुमेन वॉज और वर डिलेड। अब द मैन, अब अलोंग विद द टू वुमेन, जब कंजंक्शन आ जाता है तो हम सिर्फ उसके पहले वाले ही सब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं, हम सिर्फ मैन को ही कंसिडर करते हैं, ये हमने पढ़ा था रूल्स में। तो द मैन सिंगुलर है तो वॉज लगेगा सिंगुलर वर्ब। वी वॉज और वर पास्ड बाय 6 कार्स। वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब वर। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स लिव और लिव्स इन द डॉर्मेट्री। अब फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स की बात हो रही है, कुछ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो लिव। द आइसक्रीम मेल्ट और मेल्ट एट रूम टेम्परेचर। आइसक्रीम एक ही चीज की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब मेल्ट। नो वन हैज और हैव स्टोलन माई सीक्रेट आइडियाज। तो नो वन, नो वन क्या है?
एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है, हमने पढ़ा था ना इनडेफिनेट प्रोनाउन्स और डेफिनेट प्रोनाउन्स, नो वन है इनडेफिनेट प्रोनाउन नो, और इनडेफिनेट प्रोनाउन्स के साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब, तो नो वन, सॉरी सिंगुलर वर्ब, तो नो वन हैज स्टोलन माय सीक्रेट आइडियाज, द फर्स्ट बेसमैन एंड द कैचर हैज और हैव मेड एनी एरर्स. तो अब दो लोगों की बात हो रही है, द फर्स्ट बेसमैन एंड द कैचर, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब हैव. मिसेस लार्ड स्पीक और स्पीक्स विद अथॉरिटी, अब सिर्फ मिसेस लार्ड की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट मीन सिंगुलर वर्ब, तो स्पीक्स. द गिटार अकम्पेनिड बाय द बास वायल प्ले, द बेस वायल प्ले और प्लेज द ट्यून, तो गिटार अकम्पेनिड बाय, फिर कंजंक्शन आया, तो ये सिर्फ गिटार को कंसिडर करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लेज. जो एंड हिज ब्रदर ऑलवेज ड्रिंक और ड्रिंक्स टू फास्ट, जो, अब फिर से क्या आया, पोजेसिव, पोजेसिव नाउन आया, अब पोजेसिव नाउन के टाइम पे हम क्या कंसिडर करते हैं, सिंगुलर, तो जो एंड हिज ब्रदर ड्रिंक्स टू फास्ट. थेल्मा एज वेल एज हर सिस्टर इज और आर गुड एट स्पोर्ट्स, तो थेल्मा और उसकी बहन है, बट कंजंक्शन आ गया, तो सिर्फ थेल्मा को कंसिडर करेंगे, थेल्मा एज वेल एज हर सिस्टर इज गुड एट स्पोर्ट्स. नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स, तो ये भी क्या हो गया, इनडेफिनेट, नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स आर होम टू नाइट, पेरेंट्स प्लूरल, द कैप्टन ऑफ द टू टीम्स इज और आर डैन, द कैप्टन ऑफ द टू टीम्स, दो टीम्स की बात हो रही है बट कैप्टन की बात हो रही है, कैप्टन एक ही होता है, सो द कैप्टन ऑफ द टू टीम सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज. वेयर डू और डज द चेस्टर फैमिली लिव, वेयर, अब चेस्टर फैमिली, एक ही फैमिली की बात हो रही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब डज. द गोल्फ टीम एंड द टेनिस टीम विन और विन्स एवरी मैच, द गोल्फ टीम एंड द टेनिस टीम, दो टीम्स की बात हो रही है, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब विन. वाई डू और डज लीजा एंड टोनी डिसअग्री टू सो मच, अब किसकी बात हो रही है, लीजा एंड टोनी की, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब डू. मिसेस स्टम्प टुगेदर विद हर नेबर्स हैज और हैव अ स्विंग क्लब, तो मिसेस स्टम की बात हो रही है, उसके साथ का कंजंक्शन के बाद की चीज नहीं देखेंगे, सिर्फ मिसेस स्टम की बात हो रही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब तो हैज. तो यहाँ पर खत्म होते हैं हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स. मैं होप करती हूँ कि मैंने आपको रूल्स एक बार फिर से रिवाइज करवा दिए होंगे थ्रू क्वेश्चंस. क्वेश्चंस के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं. तो अगर आपको अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी. और अगर मुझे लगता है कि एक और वीडियो बनाने की जरूरत है इस पे और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है चीजों को, तो मैं डेफिनेटली करूंगी. और अगर आप अभी तक हैं यहाँ पर तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और अगर आपको लगता है कि किसी की हेल्प हो सकती है मेरे चैनल के थ्रू, तो उनको, उनके साथ डेफिनेटली मेरी वीडियोस को शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय.